हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। आईपीएल 2022 को लेकर मेगा ऑक्शन होगा और 2022 में 8 की जगह 10 टीम खेलती हुई नजर आएंगी। टीम की हम आपको जानकारी दे दें तो 8 टीम पहले से आईपीएल के अंदर में खेलती हैं और जो दो नई टीम आएंगी वो लखनऊ और अहमदाबाद की होगी। और ऐसे में जो रिटेंशन पॉलिसी है, यानी जो 8 टीम पहले से खेल रही हैं वो अपने उनकी टीम में जो अभी इस वक्त खिलाड़ी हैं उन्हें कैसे रिटेन कर सकती है, उसकी पॉलिसी है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो दो नई टीमें हैं उनके लिए क्या खिलाड़ी को पिक करने की पॉलिसी है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 30 नवंबर यानी आज के दिन शाम 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे, माफ़ कीजिएगा, 9:30 बजे लिस्ट जारी होगी रिटेन खिलाड़ियों की, जो 8 टीमें अपने खिलाड़ी रिटेन करेंगी और किस तरीके से होगी वो रिटेंशन पॉलिसी, उसके बारे में आपको जानकारी दें। तो सबसे पहला जो रूल वो रखा गया है वो ये है कि साल 2022 आईपीएल के अंदर 90 करोड़ रुपए सभी 10 टीमों का पर्स होगा, यानी जो खर्च करने की सीमा होगी वो 90 करोड़ रुपए होगी। सभी टीमें अपने 90 करोड़ रुपए के पैसों के साथ में बोलियां लगाएंगी। और जो रिटेंशन पॉलिसी जो पहले से 8 टीमें हैं उनके लिए रखी गई है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी टीम 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। अगर 4 खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो उसमें दो भारतीय खिलाड़ी या फिर 2 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं या फिर 3 भारतीय 1 विदेशी हो सकता है। वह उसकी पॉलिसी क्या है कि पहले जो प्लेयर होगा उसको 16 करोड़ रुपए देने होंगे, दूसरे प्लेयर को 12 करोड़, तीसरे को 8 करोड़ और चौथे प्लेयर को 6 करोड़ रुपए देने होंगे। वहीं हम आपको बता दें अगर कोई टीम अपने केवल 3 खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहती है तो ऐसे में वो 2 भारतीय खिलाड़ी को, 1 विदेशी खिलाड़ी को या 3 भारतीय खिलाड़ी को रिटेन करेगी। उसकी क्या पॉलिसी है, उसमें पहले प्लेयर को 15 करोड़ रुपए देने होंगे, दूसरे प्लेयर को 11 करोड़ रुपए और तीसरे को 7 करोड़ रुपए देने होंगे। और वहीं अगर कोई टीम 2 प्लेयर को रिटेन करना चाहती है तो उसमें 14 करोड़ रुपए पहले प्लेयर को और 10 करोड़ रुपए दूसरे प्लेयर को देने होंगे। वहीं अगर कोई टीम केवल 1 ही खिलाड़ी को रिटेन करना चाहती है तो उसके लिए 14 करोड़ रुपए उनके पर से डिडक्ट हो जाएंगे यानी कट जाएंगे। वहीं मैं आपको बता दें कि 4 खिलाड़ी को रिटेन करने के लिए 42 करोड़ रुपए अधिकतम कोई भी टीम खर्च कर सकती है और बचे हुए 48 करोड़ रुपए के साथ बोलियां लगेंगी। वहीं अगर 3 खिलाड़ी रिटेन होते हैं तो 33 करोड़ रुपए, 2 होते हैं तो 24 करोड़ रुपए और एक मात्र खिलाड़ी अगर रिटेन होता है तो 14 करोड़ रुपए उनके पर्स से कट जाएंगे। वहीं अब जो नई फ्रेंचाइजी हैं लखनऊ और अहमदाबाद, उनके लिए क्या रिटेंशन पॉलिसी है उसके बारे में हम आपको जानकारी दें। जो नई जो टीम है वो उनको समय मिलेगा, लगभग 20 दिन का वो समय मिलेगा जिसमें वो टीम्स अपने खिलाड़ियों को चुन सकती हैं, जिन खिलाड़ियों को वो अपने टीम में खिलाना चाहती हैं। जो 2 टीम्स हैं लखनऊ और अहमदाबाद, वो उनके लिए क्या रिटेंशन पॉलिसी होगी, उनके लिए क्या पिकअप पॉलिसी होगी, इसके बारे में हम आपको जानकारी दें। तो जो टीम्स जब अपने रिटेन खिलाड़ियों की अनाउंस कर देंगी उसके बाद नई जो टीम्स हैं लखनऊ और अहमदाबाद वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर सकती हैं। उनको 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का समय मिलेगा और जो मेगा ऑक्शन है वो जनवरी में होगा। हम आपको बता दें कि जो 4 खिलाड़ी हैं उनमें 3 खिलाड़ी और 1 विदेशी खिलाड़ी हो सकता है जो रिटेन पॉलिसी है, या फिर 2 इंडियन और 2 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दें कि पंजाब टीम के कप्तानी कर रहे थे 2021 आईपीएल में केएल राहुल, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो मेगा ऑक्शन में शामिल होंगे। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी दिल्ली की टीम से कह दिया है कि वो भी मेगा ऑक्शन में शामिल होंगे। वहीं कुछ टीम्स ने अपने खिलाड़ियों का खिलाड़ियों के नाम बता दिए कि वो किन्हें रिटेन कर रही है। चेन्नई सुपर किंग ने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान को रिटेन किया है, रविंद्र जडेजा को रिटेन किया है, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को जिनको ऑरेंज कैप 2021 में मिली उन्हें रिटेन किया गया है। वहीं एक जो विदेशी खिलाड़ी उन्हें रिटेन किया है वो मोइन अली के रूप में किया है। अब आपको बता दें कि विराट कोहली की टीम बेंगलोर की टीम ने विराट कोहली को रिटेन कर लिया है। वहीं किन खिलाड़ियों को और बाकियों को रिटेन किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। आज शाम 9:30 बजे लिस्ट साफ हो जाएगी और लाइव होगा कि कौन सी टीम ने किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है। देखने वाली बात होगी कि कौन सा खिलाड़ी रिटेन होता है और कौन सा खिलाड़ी मेगा ऑप्शन में शामिल होता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।